करनाल पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली दो शातिर सगी बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। करनाल की थाना सिटी पुलिस ने गोहाना की रहने वाली दो शातिर चोर महिलाओं को काबू कर लिया है। पकड़ी गई शातिर चोर दोनों सगी बहनें हैं। दोनों बहनें ऑटो में बैठकर लोगों की जेब पर हाथ साफ करती थी। ऑटो में अपने छोटे बच्चों के साथ बैठकर ऑटो में सफर करने वाले लोगों की जेब पर हाथ साफ करती थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीम बनाकर दोनों शातिर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिलाओं से पुलिस ने 57,000 रुपए की नकदी बरामद की है। आज पुलिस दोनों महिलाओं को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी और आगे की जांच शुरू करेगी। एक टाइम हमें एक कंप्लेंट मिली थी, जो एक बुजुर्ग आदमी था, जयसिंह सनम छोटूराम, जो कि बड़सालू गांव का रहने वाला था, जो कि सदर बाजार चौकी में गया और उसने जाके बताया कि मेरी जेब में से करीब 57,000 रुपया 57,000 रुपीज़ था, जो कि मैं घर से कोई सामान वगैरह घर का लेने आया था और ऑटो में बैठा था और मेरा वो पैसे निकल गए। और उसे शक था कि दो लेडीज़ थी ऑटो में, जिन पर उसे डाउट था, जो दोनों लेडीज़ थी उनके साथ बच्चे थे, वो भीड़ भाड़ की उसमें फ़ायदा उठाकर उन्होंने ये पैसे निकाल लिए, जो कि उसी टाइम भी एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से, जैसे चौकी इंचार्ज जगदीश पांडे ने बताया, तो टीम गठित करके और उनके साथ लेडीज़ आई हो ऐसे सुमन को भेजा गया और इन्होंने जैसे उसकी खोज करते हुए डेली रोड पर स्थित एक पार्क में जैसे ढूंढते गए और दोनों लेडीज़ को इन्होंने कैच कर लिया और ले जाके उनकी तलाशी की गई और उनसे वो 57,000 रुपया बरामद हुए। वो दोनों लेडीज़ जिनके नाम एक रेखा वाइफ ऑफ राजू और सेकेंडली पूजा वाइफ ऑफ शिवम, दोनों गोहाना की रहने वाली है, सियासी बस्ती बस स्टैंड गोहाना की रहने वाली है और ये दोनों से अरेस्ट कर लिया गया कर और दोनों से पैसे की बरामद। सभी बहने सर? हाँ, दोनों रियल सिस्टर हैं और एक ही घर में मैरिड है। सर, इससे पहले कितनी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुकी हैं? ऐसे अभी इनको अरेस्ट किया गया, इनसे ये रिकवरी की गई है, आगे अभी इनसे गहनता से पूछताछ की गई, कुछ इन्होंने बताया तो जैसे बताएंगे आगे। सर, कितनी रिकवरी? 57,000 रुपया। करनाल में रहते थे रिश्तेदारी में या सब बस में सफर? ये गोहाना से ही आते हैं, वहीं से आते। स्पेशल इनका मोटिव और टारगेट यही था, ये वारदात करना, भीड़ भाड़ वाले ऑटो में बैठना, ऑटो में बैठकर फिर ऐसे जेब काटना, यही सफर करना। तो सर, क्या अपील करेंगे जो लोग छोटी राशि सोच के शिकायत नहीं देते, तो उनसे क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, कई इन्होंने ऐसे छोटे मामले बताए हैं जो कि छोटे छोटे हैं, लोग उनमें कंप्लेंट्स नहीं करते हुए, जो छोटी मोटी वारदात कोई भी होती है तुरंत पुलिस को बताया जाए, पुलिस हर चीज उनसे उनके पास होती है, खोज करते हैं, मिल जाते कहीं ना कहीं ये प्राप्त होती है, जो कंप्लेंट नहीं होती फिर हमारी साथ अटैच नहीं की जाती, इसलिए जो भी छोटी मोटी कंप्लेंट है पुलिस को जरूर बताएं। तो सर, चोरी की वारदात को अंजाम देते समय बच्चों को साथ रखती थी? हाँ बिल्कुल, दो बच्चे थे इनके साथ, बच्चों को अपने साथ ही रखती है, भीड़ भाड़ या बच्चों को संभालते ऐसे ही हिलने से पता नहीं चलता, उस चीज का फायदा उठाते रहिए। जेब पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इनको अरेस्ट कर लिया गया, मुकदमा दर्ज है और अभी इनको जुडिशियल अभी पेश किया जाएगा, तो बाकी जो पूछताछ हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।